भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट की जारी। इसमें उत्तर प्रदेश से 51 प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। इसमें 9 केंद्रीय मंत्री शामिल, 4 नए चेहरों को टिकट। वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। काशी में लगे हर हर बम बम के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भाजपा नेतृत्व को दिया धन्यवाद। करोड़ों विश्वास करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को किया नमन। काशी के भाई बहनों की सेवा के लिए अपने को बताया उत्सुक। लखनऊ लोकसभा सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों की थापों पर नाचे पटाखा छोड़कर जताई खुशी। मीठी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फिर बनाया प्रत्याशी। पिछली बार स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किया था पराजित। बस्ती लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरीश द्विवेदी ने कहा कि देश के हर गरीब किसान और मजदूर की समस्या का होगा समाधान। मोदी सरकार ने लोगों के लिए किया है काम। गोरखपुर से सांसद व भाजपा नेता रवि किशन ने गुरु गोरखनाथ को किया प्रणाम। दर्शन पूजन के बाद गोरखपुर लोकसभा से 2024 लोकसभा के लिए अपनी प्रत्याशिता का किया ऐलान। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर एक बार फिर भाजपा ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर जताया अपना भरोसा। उपचुनाव में भाजपा ने यह सीट निरहुआ की उम्मीदवारी में जीती थी। हारी सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने श्रावस्ती से नरेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को दिया टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी को बनाया भाजपा प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। कहा इस बार बचे कामों पर होगा फोकस, यमुना मैया का होगा उद्धार। रायबरेली सीट पर भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह डोर टू डोर कर रहे हैं जनसंपर्क। पिछली बार यहां से सोनिया गांधी बनी थी सांसद। रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने गृहमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा ने एनडीए में शामिल होने के उनके फैसले का किया स्वागत। सीटों पर हुई चर्चा। भाजपा ने 21 ओबीसी को दिए टिकट। 10 ब्राह्मण, 7 क्षत्रिय, 12 दलित और 1 खत्री पंजाबी को बनाया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण में भी साधे सामाजिक समीकरण। पहली लिस्ट में मोनिका, संजय गांधी, वरुण गांधी समेत कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी पर नहीं हुआ फैसला। उम्मीदवारी पर संशय बरकरार। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सोनेलाल को भी गठबंधन में मिलेगी लोकसभा सीटें। संजय निषाद के पुत्र को भाजपा अपने सिंबल पर ही फिर लड़ा सकती है चुनाव। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। कहा आने वाले समय में चंदौली के विकास को मिलेगी गति। प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी को यूपी के 58 जिलों के 387 केंद्रों पर हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शनिवार को कर दी रद्द। पेपर लीक होने की मिली थी शिकायत। हरदोई में कम्युनिटी रेडियो की जागरूकता से नीलम नदी को मिल रहा जीवन दान। स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के सहयोग से लुप्त प्राय नदी में शुरू हुआ खुदाई का काम। और आज प्रदेश के 57 जिलों में बारिश का अनुमान। 35 जिलों में कई जगहों पर, 22 जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद। 18 जिला रहेंगे ड्राई। लखनऊ में भी छाए रहेंगे बादल। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश में तेज हवा के साथ हुई बारिश। आज भी मौसम खराब रहने का अंदेशा। पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखा, मैदानी क्षेत्रों में असर। ठंडक बढ़ी।